एंड रेडी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ आई हूँ। छोटे बड़े बूढ़े जवान सब बहुत ही शौक से खाते हैं, और वो है जी केएफसी स्टाइल में फ्राइड चिकन, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नरगसी कोफ्ते बनाना सिखाए थे, बहुत ही आसान तरीके से बनाए थे, जो हर बच्ची या बड़ी कोई लेडी बहुत अच्छे और आसान तरीके से बना सकती है। मैंने इजीली बनाना सिखाए थे, जितने भी जो वो उसमें स्पाइसी थे हर घर में वो मौजूद होते हैं, कोई भी मैंने बाजार की कोई भी एक्स्ट्रा चीज उसमें नहीं डाली थी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वो रेसिपी पसंद करने का और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करने का। और मैं आगे भी बहुत सी ऐसी रेसिपियां जो कि आसान तरीके से बन जाए, आप घर में बहुत आसानी से बना सके, वो मैं लेके आऊंगी। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी जो आपने मुझे कमेंट किया था कि आंटी आप इतने आसान तरीके से कुकिंग करती हैं, तो जो घर में हर स्पाइस मौजूद होता है तो अपने घर से ही निकाल के वो खाने में डाल लेते हैं। तो चलिए आप चिकन को मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है जी 1 किलो चिकन, और चिकन में क्या लिया है मैंने ये मैं आपको दिखा दूं। लेग पीस लिए हैं और लिए हैं जी विंग्स, विंग्स की कटिंग नहीं करवाई, यानी कि पूरे का पूरा ये विंग्स है, और इसको ड्रमस्टिक भी कहते हैं। तो ये देखे इस दोनों साइडों पे लेग पीस की दोनों साइडों पे मैंने कट लगा लिए हैं, डीप कट लगाए हैं ये देखे, ताकि मसाला इसके अंदर तक रच जाए और जो ब्लड है इसका अंदर से निकल जाए सारा। ये देखिए दोनों साइडों पे मैंने डीप कट लगा दिए। तो अब इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं जी चिली सॉस, ये डालती हूं मैं 1 टेबलस्पून जी। 1 चम्मच डालते हैं भर के सोया सॉस, कोई मसला नहीं है। 1/2 चम्मच डालेंगे सिरका, जो व्हाइट सिरका होता है वो डालेंगे 1/2 चम्मच, क्योंकि ये खटास के लिए होता है, ताकि ये खट्टा ना हो हमारा चिकन। ये देखे जी 1/2 टेबल स्पून ये डाल दिया मैंने। तो अब इसके अंदर हम डालते हैं पेरी पेरी सॉस, ये टेस्ट के लिए है, इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है, और ये सिर्फ मैं 1/2 टेबल स्पून डालती हूँ, बस जी इतना जी बहुत है। अब मैंने, अगर आपके पास बोतल में जो बाहर से बोतल ये जूस मिलता है, अगर आपके पास वो है तो आप लेमन जूस वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास लेमन थे और मैंने 2 नींबुओं का ये जूस निकाल लिया, और ये देखिए 2 टेबलस्पून ये लेमन जूस आ गया इसमें। और ये जी अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है तो आप लहसुन पाउडर डाल दें, अदरक का पाउडर है वो डालें, लेकिन मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है इसलिए मैंने ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। 2 चम्मच डालेंगे जी केचप के भर के, एक चम्मच डाला है मैंने टिक्का मसाला, कोई सा भी आप टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1/2 से भी 1/2 नमक डाला मैंने, 1/2 चम्मच से भी 1/2, और 1/2 चम्मच मैंने डाल लिया लाल मिर्च पिसी हुई। आप सोच रहे होंगे इतने मसाले लगा दिए हैं टिक्के को, ये कैसे मसाले बनेंगे, और 1 चम्मच डाल दिया मैंने ये गरम मसाला पिसा हुआ। अब इसको कर लेते हैं जी मैरिनेट, और हाथ से अच्छे से इसको मैं मसल देती हूँ, जो कि सारा मसाला है पूरे चिकन के अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से। देखिए जी मैंने अच्छे से सारे मसाले चिकन में मिक्स कर दिए। अगर तो सर्दी है तो आप इसे 1 घंटे के लिए
अपने किचन में रख सकते हैं। और अगर गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में रख ले एक घंटे के लिए, तो इसके बाद मिलते हैं एक घंटे के बाद। और अब इसके ऊपर मैं इसका कैप दे देती हूँ। चिकन हमारा जी मैरिनेट हो चुका है, जो मैंने एक घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दिया हुआ था। और ऑयल भी मैंने कढ़ाई में डाल लिया और फ्लेम भी ऑन कर लिया। जब तक हमारा ये ऑयल गर्म होता है तब तक मैं चिकन के क्रम्स तैयार कर लेती हूँ। और क्रम्स में ये है जी, एक कटोरी मैंने मैदा लिया और मैदे में हम डालेंगे थोड़ा सा, बस इतना सही, नमक और थोड़ी सी ये कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास दादरी मिर्च है, मेरे पास तो दादरी मिर्च खत्म हुई हुई या नहीं है, और अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। अब उठाते हैं जी यहां से एक पीस, चिकन पीस, और इसको अच्छे से चिकन के ऊपर इसकी कोटिंग करनी है। ये देखिए अच्छे से बढ़के हो गई है। कोटिंग करने के बाद आपने इसको पानी में डीप करके और इस तरह से इधर रख देना। ऐसे ही सारे पीसेस उठाने हैं और ऐसे ही सबको, सबके सारे चिकन की कोटिंग कर देंगे हम। मैदे के साथ इसकी सारी कोटिंग कर देते हैं। तो मामा ये भी बता दें व्यूअर्स को कि ये पानी नॉर्मल है कि ठंडा है? ये पानी बिल्कुल नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी नहीं लेना आपने। जो हम वैसे यूज के लिए पानी होता है सादा पानी, ये सिर्फ सादा पानी है, यानी कि रूम टेम्परेचर वाला जो होता है, क्योंकि कई लोग ठंडा पानी भी इस्तेमाल करते हैं ना उसमें। हाँ जी नहीं, लेकिन ये सिर्फ ये सादा पानी है बस, क्योंकि अक्सर हो सकता है आप लोग मुझे कमेंट करेंगे आंटी ये कौन सा पानी आपने यूज किया है, क्या लिया। नहीं, ये बिल्कुल सादा पानी है। अब मैं सारे पहले ये रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए जी, एक दफा तो मैंने मैदे की कोटिंग कर दी है चिकन को। अब इस मैदे में डालते हैं जी थोड़े से, एक चम्मच है जी मेरे पास, एक टेबल स्पून तिल है, व्हाइट तिल, और ये डाल लेते हैं जी हम मैदे में। ये देखिए इसको कर लेते हैं मिक्स और फिर दोबारा से सारे चिकन की कोटिंग करते हैं मैदे के साथ। तुसी भी की याद करोगे कि आसफा ने सानू कैसी मजे की रेसिपी सिखाई है। अभी इनको लगा लगा के अभी थोड़ी देर के लिए इधर रखती जाती हूँ, जब तक हमारा ऑयल जरा अच्छी तरह गर्म हो जाए। तो मैंने डबल कोटिंग कर दी है चिकन के ऊपर, तो इसे अब डालते हैं ऑयल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे जी, वाह भाई वाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये डाल देते हैं ये इधर, और इसे जो है वो बाद में पका लेंगे, अभी इतने ही इस कढ़ाई में ठीक है। तो अभी हमने इसको 3 मिनट तक इसको हलाना नहीं है, जब तक इसके ऊपर ये क्रम्स नहीं बन जाएंगे। अगर हम इसको साथ ही डाल के हलाना शुरू कर देंगे तो इसके ऊपर क्रम्स नहीं आएंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह 3 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको पलटा देती हूँ सारे चिकन को। और ये याद रखिएगा कि जब आप चिकन डालें कढ़ाही में, पहले कढ़ाही का जो ऑयल है उसको अच्छे से गर्म कर लें, फिर जब आप चिकन डाल देंगे इसके अंदर, फिर आपने अपनी फ्लेम जो है उसको लो कर लेना, ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे से अंदर से गल जाए। अब इस साइड को भी हम 3 मिनट तक पका लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, बहुत ही लजीज और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो ये देखिए इसे अब निकाल लेते हैं हम बाहर, इसे डिश में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही लजीज
चिकन तैयार हुआ है, फ्राई चिकन। ऐसा तो शायद केएफसी ने भी ना बनाया हो, इतना मजेदार हम घर में बना सकते हैं। खुद बिल्कुल आसान तरीका है इसे बनाने का। और क्रम्स भी देखे बहुत अच्छे इसके ऊपर आए हैं। और अब ये बाकी के भी जो है पीसेस, चिकन पीस जो है, ये बाकी के भी अब मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं ये सारे रेडी करके तो बाद में आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, फ्राइड चिकन टेस्टी, बहुत ही मजेदार रेडी हो चुका है। और अब मैं आपको एक लेग पीस कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये देखें कितना अच्छे तरीके से, ये देखें गला हुआ है, ये देखें बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है, ये देखें, ये देखें। और इसके ऊपर ये देखें क्रम्स। अब इसको खा के ट्राई करेंगे कि ये कैसा बना है। और ये देखें, ये इसके साथ मैंने बनाई है सॉस, बारबेक्यू और गार्लिक चिली दोनों मिक्स करके, तो इसकी ये सॉस बनाई है। इसके साथ बहुत मजे की लगेगी, बहुत ही मजे की रेसिपी हमारी हो गई है रेडी। ये आप, मैंने आपको इतना आसान तरीका बताया फ्राइड चिकन बनाने का। अब आप अपने घर में अपने बच्चों को, ये ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है, आप अपने घर में बच्चों को बना के खुद अपने हाथों से तैयार करके अपने बच्चों को खिलाएं। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने ये कैसे बनाए हैं और आपके घर वालों को ये कैसे लगे हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्टिच बाय आशा के चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।